आपको तीन प्रश्नों के माध्यम से सत्संग सुनाएंगे। नंबर एक, जिस समय महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी, भीष्म पितामह श्री कृष्ण दोनों पक्षों को समझाने का काम कर रहे थे। परंतु समझने वाले यदि नहीं समझना चाहते हैं तो समझाने वाले असफल हो जाते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि युद्ध टाल देना चाहिए, और भीष्म पितामह कौरव पांडवों के बीच में संतुलन बनाना चाहते हैं। परंतु महाराजा धीराज धृतराष्ट्र नेत्रों से अंधे हैं और मोह में भी अंधे हैं। कई तरह के अंधे संसार में होते हैं। नेत्र से अंधा व्यक्ति उतना नहीं भटक सकता है जितना मोह में अंधा व्यक्ति भटक जाता है। मोह का अंधा आपके पास में बाहर के नेत्र नहीं होंगे, कोई हाथ पकड़कर आपको रास्ता बता देगा, लेकिन यदि भीतर के नेत्र नहीं खुले तो आपका हाथ कौन पकड़ेगा। विवेक की आंखें, विचार के नेत्र जिनके खुल जाते हैं वे संसार में कभी भटकते नहीं। और इस संसार को जंगल भी कहा गया है, ये जगत जंगल है। जैसे जंगल में पथिक भटक जाता है, ऐसे इस जगत के जंगल में ये जीव भटक जाता है। मंजिल से दूर होता चला जाता है। कितने लोग काम वासना में अंधे, जो काम वासना में अंधे हो जाते हैं, वे दीवाल को देखते हैं उसमें भी उनको भोग विलास का चित्र दिखाई देता है। और कितने लोग अभिमान में अंधे हैं, खुद के लिए मकान बनाया है और खुद ही रहते हैं। मकान बहुत अच्छा है लेकिन अभिमान दूसरों को दिखाते हैं।
ऐसा लगता है दूसरे लोगों को मकान में ठहरने का कमरा देने वाले हैं, इसलिए हेठ दिखाते हैं। खुद के चलने के लिए गाड़ी खरीदा है, खुद ही बैठकर चलते हैं, लेकिन ऐठ दूसरों को दिखाते हैं। जहां देखते हैं लोग खड़े हैं, वहां एक्सीलेटर और ज्यादा खींच देते हैं। लोग भी समझ जाते हैं घमंड है, और लोग उनके लिए बद्दुआएं करते हैं कि ये आदमी कहीं टकरा जाए, मर जाए तो ठीक है। क्योंकि तुम दूसरे का अभिमान सह नहीं सकते। धन आप कमाते हो, तुम्हारा धन तुम्हारे पास, लेकिन धन का अभिमान पूरे गांव वालों को दिखाते कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, करोड़ों में खेल रहा हूं, अरबों में तैर रहा हूं, लाखों में डूबा हूं, इस गांव को तो खरीद लूंगा। ये अहंकार भरी भाषा, ये आदमी अभिमान में अंधा है, कोई फैशन में भी अंधा है। जो फैशन में अंधे हो जाते हैं, लाज मर्यादा कुछ सोचते ही नहीं। जो अंग नहीं खोलना चाहिए उसको खोल के बैठे, और जो नहीं ढांकना चाहिए उसको ढांक के बैठे। फैशन का अभिमान है, श्रृंगार का भी अभिमान मत करो। फैशन का दौर चलता है, एक लेडीज अगर गले में हार पहन ले तो सभी लेडीज हार पहनने के लिए बेचैन हो जाएगी, और गले का हार न मिले तो अपने पति का गला दबा देगी। इसलिए पतियों की जिंदगी भी बहुत खतरे में है, ये सब डरे हुए रहते हैं कि न जाने किस रोज गला दबा देगा। लहरों में मत बहो, तरंगों में मत उड़ो, विवेक से काम हो। कोई स्त्री कैसा ही कपड़ा पहनती है, कैसी साड़ी पहनती है, कैसी चेन पहनती है, कुंडल पहनती है, उसकी नकल मत करो। कोई आदमी कैसी पैंट पहनता है और कैसा कपड़ा पहनता है, उसकी नकल मत करो। नकल कौन करता है, और जो नकल करता वो कौन होता है? नकल बंदर करता है, और जो नकल करता वो बंदर होता है। और जो अपनी अकल से काम करता है वो दुनिया में सबसे सुंदर होता है, सबसे सुंदर होता है। नकल मत कीजिए। विवेक की आंखें खुलनी चाहिए, विचार के नेत्र खुलने चाहिए। और जिनकी विवेक की आंखें नहीं खुली और ये चरम नेत्र खुल गए, विचार के नेत्र नहीं खुले, उनकी जिंदगी ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा भटक सकते हैं। एक नवयुवक के पास में जन्म से आंखें नहीं थी, रोशनी नहीं थी, अंधा था। ईसा मसीह, जिनको जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, ईसा मसीह उस गांव से निकल रहे थे। वे जिधर निकलते थे उधर सूचना फैल जाती थी कि ईसा मसीह आ रहे हैं।
और ईसा मसीह दुआएं बहुत देते थे। हर व्यक्ति की दुआ भी सफल नहीं होती है, हर व्यक्ति का आशीर्वाद भी सफल नहीं होता और हर व्यक्ति की बददुआएं भी सफल नहीं होती। तुम कितना श्राप दे दो कुछ लगने वाला नहीं। जिसके अंदर तेज और तप है उसी का आशीर्वाद, उसी की दुआ सफल होती है। और तेजस्वी और तपस्वी और ओजस्वी महान पुरुष किसी को बद्दुआ नहीं देता है। और जिसके बारे में वो निगेटिव सोच लेता है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए कभी तेजस्वी तपस्वी यशस्वी ओजस्वी महान पुरुष को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो तुम्हारे बारे में यदि नेगेटिव सोच लेगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठंडी का महीना है, ताली जोरदार बजाया करो। इतना कमजोर क्यों बजाते हैं? थोड़ा हंसा भी करो, थोड़ा मुस्कराया भी करो, अपने दांत दिखाया करो, पता चले गोंडा वालों के दांत हैं कि नहीं है।